दोस्तों काफी दिन से ये टेलीस्कोप का जो बॉक्स है ना मेरे टेबल के पीछे था, और आप में से कई लोगों ने डिमांड की थी यार इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टेलीस्कोप एकता की तरफ से जो आता है, तो जल्दी से करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या वाकई में ये काम करता है या फिर ऐसे ही है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों यार बॉक्स में सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है DIY, मतलब आपको खुद ही ये बनाना है कुछ पार्ट्स से। अंदर एज है 8+ एंड अप। सामने यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़ा अच्छा पिक्चर है, यहाँ पे भी कुछ और पिक्चर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। प्राइस कहाँ है, प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है भाई, 800 रुपये। यार काफ़ी महंगा है ये, तो देखेंगे वर्थ है नहीं है। सीधे सीधे से ओपन कर लेता हूँ, खुल जा से तो खुल गया है। सबसे ऊपर रखी हुई है यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन पेपर, दो पेपर हैं बस, पीछे दिया हुआ है सब कुछ। और ये है इसका मेन इंटरफेस, और ये क्या है इसके अंदर, ये शायद सारा तामझाम, और ये खाली हो जाता है, सिर्फ यही चीज़ें हैं। तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स हो चुका है ओपन, सामान निकाल चुका है बाहर, और यार ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। मेन यहाँ पे हमको टेलीस्कोप की यही मशीन मिल जाती है, और हल्की सी है, आगे एक लेंस है, यहाँ पे शायद दूसरा वाला लेंस लगता है। टेलीस्कोप लिखा हुआ है, क्वालिटी ओके है, ज़्यादा ख़राब नहीं, ज़्यादा बेकार नहीं, ज़्यादा अच्छी नहीं। और ये क्या है, ये इसका स्टैंड है, और यहाँ पे हमको 3 लेंस मिल जाते हैं जिसकी रेंज है 30x, 20x और ये है 40x, और ये एक स्क्रू। तो यार अब मेन चीज़ यही है कि भैया दिखता कितना है इससे, कितनी दूर का दिखता है, मतलब टेलीस्कोप से हम दूर नहीं, मतलब बहुत ही दूर की चीज़ें देख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कितनी दूर का दिखता है। यहाँ पे 800 रुपये का भैया, थोड़ा तो मज़ा आना चाहिए, तो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो ट्राई करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं आ चुका हूँ छत में, और सामने आपको दिख रहा होगा कुछ ऑरेंज कलर में यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है, और आकाश में तारे तो बहुत ही हल्के हल्के हैं, मोबाइल की लाइट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट चांद जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स की लाइटें भी हैं। तो एक बार मैं इस टेलीस्कोप से ना ट्राई करता हूँ। ये रखा हुआ है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, बड़ा हल्का है भाई, बिल्कुल अंधेरा है छत पर, लाइट वाइट कुछ नहीं है। तो जल्दी से एक बार ट्राई करता हूँ मैं, तो ये मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अबे तो दोस्तों यार चांद तो बहुत दूर की बात है यार, इससे बिल्डिंग की लाइट वाइट कुछ नहीं दिखाई दे रहा यार, मतलब क्या है ये यार। दोस्तों यार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस टेलीस्कोप से। मैं और ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपको फाइनल रिव्यू बताता हूँ। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस टेलीस्कोप के परफॉर्मेंस से। मैं गया था छत पे, चांद तारे मतलब आसमान सही से देखने, इतना तो मुझे नहीं था कि मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, बट मुझे लग रहा है कुछ तो दिखाई देगा, मतलब मून अगर थोड़ा सा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, उजाला आपको देखा ही होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट कुछ भी नहीं, बिंदी भी नहीं दिखाई दी। तो यार ये नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मैंने तीनों के तीनों लेंस बदले, और आप देख रहे होंगे इसमें 40x अभी लगा हुआ है सबसे ज़्यादा जूम, ये भी लगा के देखा, कुछ नहीं हुआ। चांद तारे तो बहुत दूर की बात है यार, मुझे लग रहा है अगर आप इससे पेड़ पे बैठा हुआ कबूतर देख लो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे यार मैं तो फिलहाल इसे रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे परचेस करो, क्योंकि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है यार, 800 रुपये उसमें प्रिंट है, आपको अगर 700 का भी मिलेगा तो क्या देखोगे भैया आप इससे। ओवरऑल यहाँ पे मुझे सही लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये कैसा लगा। तो फिलहाल पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था आप लोगों से कि जो भी सही आंसर देगा मेरे क्वेश्चन का उसे मिलेगा यहाँ पे शॉर्ट आउट। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सही आंसर क्या है। सही आंसर की पिक्चर आपके बिल्कुल सामने है, और ये है 6। अब किस किसने सही आंसर दिया है एक साइड से मैं रीड करना शुरू करता हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहला कमेंट किया था टेक बाय सुमित, फर्स्ट कमेंट, इनको मैंने पिन भी किया, आंसर तो इन्होंने नहीं दिया बट फिर भी पहला कमेंट है तो मैं पिन कर देता हूँ। और उसके बाद आंसर कहाँ है भाई, आंसर कहाँ है, तो रिहान खान 6 पहला सही आंसर इन्होंने दिया, उसके बाद मानिया चहल, और उसके बाद खुशबू जैन, महेंद्र अग्रवाल, टेक्निकल हर्षित, उसके बाद जरीफ हसन 017, और यहाँ पे बर्फन बरहान कापसे, ऐसा ही कुछ है शायद, और ऊपर मनोज कुमार और पूनम सिन्हा, आरती प्रधान, उसके बाद यहाँ पे जोरू ढोला और किंग्स ऑफ डोमिनोज, और ऊपर यहाँ पे BD गेमर्स SIAM हैशटैग लगा रखा है, और आलियन आदिल,
उसके बाद प्रीति प्रजापति 6 है, ओके। और यहाँ पे पूजा निमकर 6, हमजा शेख 6 AN, और यहाँ पे लिखा है ओइंडरील मॉन्डल, आंसर इज 5। 5 कहाँ से है भाई, आपको तो ऐसे ही शाउट आउट मिल गया, चलो कोई बात नहीं। यश धीमान 6 और सुदीपा रॉय 6 एनिमल, अभिजीत AB 6 एनिमल, और यहाँ पे वशिष्ठ, उसके ऊपर सियाचिन चैनल नुहारा, उसके बाद में दीपू बारिक, और उसके ऊपर लवली यास्मिन। और अबे 37 35, ये क्या है, ये कुछ भी लिख रहे हैं यार। रानी रानी 6 एनिमल, विजय सोनी 6, ओके। यो गेमिंग ब्रदर फ्री फायर, इतना बड़ा नाम, ओके। और रेनू कथेट, यहाँ पे इन्होंने भी 6 एनिमल्स लिखा हुआ है। उत्तम गुप्ता ने दिया है सही आंसर, और किंग्स ऑफ गेम्स ने भी दिया है सही आंसर, और इन्होंने यार पूरा मतलब सही से लिख ही दिया है बिल्कुल, मतलब मास्टर महान गुरुजी, सही में यार आप महान हो। शांतनु मेहता 6 एनिमल ब्रो, ओके। शिवांग गेमिंग ने भी सही आंसर दिया हुआ है, और ऊपर आप देखेंगे हिंदुस्तानी गेमर 6, ओके। और यहाँ पे गेमिंग ईशान सोनू 6 एनिमल है, ओके। वासु रखोलिया, इन्होंने भी सही आंसर दिया हुआ है। ऊपर यहाँ पे मीनाक्षी शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और विस्ट्रिक्ट ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, 6 एनिमल दिखे, सही है क्या अभी, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे वैष्णवी VKS, देर आर 6 एनिमल, ओके। चेतना मेहरा ने सही दिया है, शिवानी कुमारी ने दिया है सही आंसर, और मुकेश कुमार ने भी लिखा है भाई, टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। और अनुराग गुगलानी ने भी सही आंसर दिया है ऊपर, यहाँ पे हरीश चंद्र गुप्ता ने दिया है सही आंसर, और यहाँ पे नितिन कुमार ने भी सही आंसर दिया है। इफाज महमूद 5 और 6, नहीं यार 6 है, एक ही आंसर लिखो ना। रिशु, देर आर 6 एनिमल, ओके। ऊपर यहाँ पे मसरूर जहान नायक, ओके, बिल्कुल सही आंसर है। और देवेंद्र यादव ने भी 6 एनिमल सही। दुनिया गेमर YT बिल्कुल सही। सुभाजीत RJ गेमर, देर आर 6 एनिमल, ओके ब्रो। और यहाँ पे कृष्णेंदु साहा, ओके, 6 एनिमल, ओके। अशोक कुमार उदावट ने दिया सही आंसर, और कहाँ है विजय मिश्रा, उसके बाद श्याम उस्मान, उसके बाद यश तख्तानी, उसके ऊपर कहाँ जाए मनोज वर्मा, और शीतल जैन बिल्कुल सही आंसर, और परमजीत सिन्हा चिन्ना सही आंसर बिल्कुल। निलोय विश्वास ने दिया सही आंसर। आशीष मिश्रा, उसके ऊपर 5 6, नहीं यार 6 बोलो। सुजीत शर्मा ने बिल्कुल सही। सीमा शर्मा बिल्कुल सही। ईशान नुहा सही। सुमिता दत्ता सही। और यहाँ पे दिशा सोलंकी बिल्कुल सही। और AVI गोयल बिल्कुल सही। और संतोष दमनाकर बिल्कुल सही। और शिव वंश वाजपेयी ने लिखा है बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे प्रतीक लवाटे 6 एनिमल बिल्कुल सही। नीमा तोमर बिल्कुल सही। कनिष्का गुप्ता 6 बिल्कुल सही। और जैनुल हसन 6 है। यूट्यूब गेमर 6 है। दक्ष बिल्कुल सही। और ध्रुव पटेल का भी बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद रिहान अहमद का बिल्कुल सही जवाब। दर्व गढ़वाल का भी बिल्कुल सही जवाब। नजीम कदारी का भी बिल्कुल सही जवाब। विवेक सिंगला का भी बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 3 4 5 5 नहीं है भाई, 6 है। भारती पाटिल, मोहित कोठा, ओके। अंकित यूट्यूबर बिल्कुल सही जवाब। और ऊपर यहाँ पे रोशनी सोलंकी, और अंशु गुप्ता, और आशा प्रसाद किंग ऑफ यूट्यूब वीडियोस, और ऊपर DMR वी डोमिनो मार्बल रिएक्शन, इतना बड़ा नाम चैनल का, CH हसन बिल्कुल सही। अरब नवीद, और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो संगीता वेदी, हरिंदर गौतम, सुप्रवत घोष, उमर हुसैन, सरिता सैनी, अल्फा शाह, अनमोल बिजुला थिल्लक, और ऊपर यहाँ पे NP गेमिंग, तनुष्कर, ओके, राजेश विश्वकर्मा, किड्स पावर, ओके, यहाँ पे नाइस एंड 6 एनिमल, परशुराम कलिता, और यहाँ पे आदित्य प्रकाश, आयुष्मान श्रीवास्तव, और अंश गेमिंग ऑफिशियल, उसके ऊपर नकुल कश्यप, और बबीता गुप्ता सही जवाब, और यहाँ पे वासुदेव त्रिपाठी बिल्कुल सही, प्रिया भारद्वाज बिल्कुल सही, और आराध्या अशोक अग्रवाल बिल्कुल सही। ग्रिम स्नीपर यार दोबारा तो नहीं आ रहे हैं, दो बार भी तो नहीं कर रहे हैं लोग कमेंट। ब्लेड का भी बिल्कुल सही है। वर्षा बघेल, सपना घराट, त्रुम्प नाथ, और ये दीक्षित बंसल बिल्कुल सही। और यहाँ पे आयांग गेम्स एंटरटेनमेंट बिल्कुल सही। संगीता सूर्य का बिल्कुल सही। दीपक यादव बिल्कुल सही। प्रियंका रॉय बिल्कुल सही। ऊपर टैग गेमर ये क्या है, पंपा रॉय, ओके बिल्कुल सही। वंश वर्मा, सोमा जैन, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मंजू गुप्ता, और यहाँ पे मोहम्मद सैद,
तो दोस्तों यार 3900 कमेंट है और इतने सारे अगर मैं पढ़ता रहता यार बहुत ही देर हो जाएगी। फिलहाल बहुत सारे शाउटआउट यहाँ पे मिल चुके हैं, जिनको नहीं मिला वो आगे भी इसी तरह कमेंट करते रहे, किसी भी वीडियो में शाउटआउट उनको भी मिल सकता है। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।